मेरे को तो भाई कोई काम का नहीं लगा, इसलिए मैं इसका गिव अवे करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले इस गेमिंग ट्रिगर की, इसको मैं मंगाया हूँ बैंगोट से, और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बताएंगे कि इस ट्रिगर को आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए इस ट्रिगर का कई सारे वीडियो हमको यूट्यूब में देखने को मिल गया, तो उस वीडियो में जो है ट्रिगर का मतलब भर भर के तारीफा करे जा रहा है, मतलब तारीफ तारीफ करे जा रहा है इस वीडियो में इस ट्रिगर के। तो मैंने सोचा भी मैं भी एक ट्रिगर मंगा लेता हूँ और यूज़ करके देख लेता हूँ कैसे ट्रिगर होने वाला है। दोस्तों मैं भी एक ट्रिगर को मंगा लिया हूँ, मेरे पास आ गया है ट्रिगर। तो जब मैं इसको यूज़ करा हो ना, तो मुझे लगा कि इसको मैं क्यों खरीद लिया हूँ, इसको मैं क्यों खरीदा, अपना पैसा क्यों वेस्ट किया इसमें हम। तो जो भी है आपको मैं बताऊंगा दोस्तों इस ट्रिगर को क्यों आपको नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, आपको सारी चीज़ मतलब बढ़िया समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप अगर शुरू से मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि भाई हम जो अपना चैनल पर इस टाइप का ट्रिगर या गेमिंग हेडफोन या दोस्तों मोबाइल के बारे में बताते रहता हूँ, रिव्यू करते रहता हूँ। तो ऐसे में मुझे लगा कि भाई इसके बारे में आपको मैं बता दूँ। तो जो भी है इसको मैं मंगा लिया हूँ, खुद से यूज़ कराओ, तो उसके बाद दोस्तों मुझे ट्रिगर जो है काफ़ी ख़राब लगा। मुझे लगा कि भाई इसको आपको नहीं खरीदना चाहिए और मुझे भी नहीं खरीदना चाहिए था। क्यों नहीं खरीदना चाहिए था तो उसी के बारे में वीडियो आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेगा, सारी चीज आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। और इससे भी कम पैसा में इससे अच्छे ट्रिगर कौन सा आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा उसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। एक ट्रिगर ऐसे मेरे पास है, मतलब जो मैं शुरू से यूज करता रहा, बहुत अच्छे ट्रिगर है दोस्तों, वो इससे काफी बेहतर है। तो उसके बारे में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि इसको ना खरीद कर वो कौन सा वाला ट्रिगर खरीदना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेगा, आपको सारी चीज बड़े समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग, और इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हम लोग इस ट्रिगर की। तो दोस्तों ये रहा हमारे ट्रिगर, तो इसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और बताएंगे कि ये ट्रिगर जो आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। मतलब दोस्तों इस ट्रिगर का बहुत सारे वीडियो हम यूट्यूब में देख लिए हैं, तो उसमें खाली इसका तारीफ तारीफ करे जा रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो हम भी एक ठो मंगा लेते हैं। तो आप अगर मेरे को फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे कि हम जिस टाइप का ट्रिगर का जो है मतलब वीडियो बनाते रहता हूँ, रिव्यू वगैरह करते रहता हूँ। तो जो भी है देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि दोस्तों ये ट्रिगर हम ऑर्डर किए बैंगलोर से, और ये ट्रिगर मेरे तक पहुँचने में 1.5 महीना लगा। हाँ दोस्तों, 1.5 महीना पहले इस ट्रिगर को हम ऑर्डर किए थे और मेरे तक पहुँचने में जो है ट्रिगर को लग गया 1.5 महीना। मतलब दोस्तों ऑर्डर करने का 20 दिन बाद जाकर प्रोडक्ट शिफ्ट हुआ, तो आप समझ सकते हैं किस टाइप का है। तो ये पहले प्रॉब्लम ये है, जब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन से कुछ अगर ऑर्डर करते हैं तो वो मतलब 10 दिन लगते हैं मेरे ख्याल से, 1 हफ्ता के अंदर, जो कितना भी जंगल में आपका घर क्यों ना हो, मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर आपके पास प्रोडक्ट पहुँच ही जाता है। लेकिन जहाँ तक बात रही इस प्रोडक्ट की दोस्तों, ये मेरे पास पहुँचा 1.5 महीना में, जो कि भाई बहुत गलत बात है। और दूसरा बात ये कि दोस्तों ये काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा है। मतलब इस एक ट्रिगर का दाम मेरे को पड़ा है 1100 रुपया। मतलब इसके अंदर दोस्तों एक ट्रिगर है, सिंगल एक ट्रिगर है, राइट हैंड वाले मतलब दाहिना साइड वाले, तो एक ट्रिगर का दाम हो गया आपका 1100 रुपया। तो अगर दो हाथ का दो ट्रिगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको पड़ेगा 2200 रुपया, जबकि 2200 रुपया में दोस्तों अच्छे खासे गेमिंग पड़ा जाता है, आपको पता होगा। लेकिन जहाँ तक बात रहा इस ट्रिगर की, तो इसका दो ट्रिगर का दाम दोस्तों इतना महंगा पड़ने वाला है आपको। तो मेरे ख्याल से इतना महंगा प्रोडक्ट आपको मतलब गेमिंग के लिए नहीं खरीदना, जबकि दोस्तों 500-600 रुपये में अच्छे अच्छे ट्रिगर दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है। तो जो भी है, चलिए और भी बहुत सारे बात इसके बारे में करेंगे, तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं हम लोग, ताकि आपको बढ़िया से मैं सारी चीज़ बता पाऊँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ डब्बा के अंदर भी जो है और एक डब्बा आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, इस टाइप का कोई डब्बा देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा एक यूएसबी केबल। कैसा वाला यूएसबी केबल, चलिए खोल के देखते हैं। इसके अंदर मिल जाएगा आपको इस टाइप का एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो ट्रिगर है अंदर में रखा हुआ, ऐसे ट्रिगर तो देखने में काफ़ी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो ट्रिगर है इसको आपको चार्ज करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये कोई गेमिंग पैड नहीं है, गेमिंग ट्रिगर है, लेकिन इसको आपको चार्ज करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ दोस्तों, देखिए ऐसे ही मतलब नॉर्मल चार्जर से इसको आपको चार्ज करना है। तो ये तो मतलब एक गलत बात है ना भाई, आप खरीद रहे हो ट्रिगर, एक गेमिंग पैड नहीं, एक ट्रिगर होने वाला है, लेकिन ट्रिगर को आपको चार्ज करना पड़ेगा। भाई ये कहाँ का नियम हो गया आप बताओ। तो जो भी है चलो ठीक है, चार्ज आप कर दोगे ठीक है, लेकिन आपको एक बात और आप नोटिस करेंगे इस ट्रिगर में, कि भाई इस ट्रिगर में कहीं भी कोई लाइट वगैरह दिया हुआ नहीं है। लाइट का मतलब क्या है, जैसे मान के चले आपका बैटरी कम हो गया, ओके, तो रेड लाइट चलना चाहिए कि भाई बैटरी कम हो गई, इसको चार्ज का जरूरत है। उस सिग्नल जो आपका कहाँ से मिलेगा कि बैटरी कम हो रहा है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ जो है कोई रेड लाइट वगैरह दिया हुआ नहीं है, जबकि 1100 रुपये टिकट का दाम होने वाला है। और जैसे आप चार्ज कर रहे हो तो बैटरी फुल हो गया, इसका बैटरी फुल चार्ज मान के चलो हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बैटरी फुल हो गया, उसके लिए ग्रीन लाइट होना चाहिए, एक रेड लाइट एक ग्रीन लाइट यहाँ जरूर होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ नहीं है। मतलब आप अगर चार्ज कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलने वाला है कि भाई कब तक ये फुल चार्ज होगा, और आपका ये अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कब तक ये डिस्चार्ज होगा, कब तक ये चलेगा, है ना। तो सबसे पहले गलत बात तो यह, जबकि प्रोडक्ट का दाम 1100 रुपया है, तो भाई ये
ये दो ठो LED लाइट अगर छोटा छोटा दे देता है कोई दिक्कत नहीं होता मेरे ख्याल से, जो कि इस प्रोडक्ट में आपको देखने को नहीं मिलता है। और अच्छे खासा चौड़ा लंबा चौड़ा आप देख सकते हैं टिगर है, इस टाइप का दिखता है आपका। तो यह जो है भाई 200 LED का है, बैठा सकता है ये कंपनी, लेकिन दोस्तों नहीं बैठा है। तो जो भी है, उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि दोस्तों ये जो है ना कवर के ऊपर से इसको आप लगा नहीं सकते। मतलब मान के चलिए कोई मोबाइल फ़ोन आपके पास है, जैसे कि सिंपली मान के चलिए आपके पास ये कहा गया भाई ये मोबाइल फ़ोन है ना, इसमें आप यूज कर रहे हो, तो इसमें जो आप कवर के ऊपर से इसको नहीं लगा सकते। आप देख सकते हो कवर के ऊपर से जो ये लगेगा ही नहीं देखो, क्योंकि इसका ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा जहाँ पे ये लगता है दोस्तों, काफ़ी देखिएगा एकदम पतला सा है, देखो पतला सा जगह है यहाँ पे, मतलब कवर के ऊपर से आप लगा नहीं सकते। आमतौर पे हम लोग जो है सारे के सारे मोबाइल फ़ोन में कवर चढ़ा कर रखते हैं, तो आप देख सकते हो कि आप जो है कवर के ऊपर से इसको आप लगा ही नहीं पाओगे, लगा ही नहीं सकते इस टाइप का। देखो ज़बरदस्ती करेगा तो फट जाएगा, तो आपको लगाना। ये तो दोस्तों और एक चीज़, मतलब और एक कमी हो गई ट्रिगर का। उसके बाद मान के चलिए कि दोस्तों आप जो है कवर को खोल के इसको लगाने का कोशिश करोगे, तो आप तो लगा तो लोगे है ना, लेकिन आपका फ़ोन अगर मोटा है तो इसमें आप नहीं लगा पाओगे। अगर कवर आपका इसे खोल दोगे तो इसे आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप आप लगा सकते हो, देखो नीचे तरफ भी लग गया ऐसे बड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो ऐसे ये लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई लग तो गया आराम से, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हो यहाँ लग गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका मोबाइल अगर थोड़ा सा मोटा है तो आप नहीं लगा पाओगे। ये देखो ये काफ़ी पतला मोबाइल है, लेकिन फिर भी जो है मतलब देख सकते हो इस टाइप का एडजस्ट यहाँ हो गया है। लेकिन आपका मोबाइल अगर मोटा है तो इसमें आप जो है इस टिगर को नहीं लगा पाओगे। कवर के ऊपर तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन अगर मोटा है तो दोस्तों फिर भी आप नहीं लगा पाओगे। तो कहने का ये सारा चीज़ दोस्तों इस टिगर का एक कमियाँ है। और इस टिगर का एक अच्छी बात अगर हम आपको बोले, वो हो गया दोस्तों ये स्विच। अब ये स्विच क्या काम करता है दोस्तों, ये हो गया इसका बस मोड के लिए दिया, बस मोड के लिए दिया गया है। अब ये क्या काम करता है देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पबजी गेम में आपका M16 होता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक साथ में 3 ही गोली निकाल पाता है M16 से। तो आप अगर बस मोड में करेंगे तो क्या होगा कि दोस्तों बस मोड ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि दोस्तों ये आपका जो ट्रिगर है ना, जो फायर बटन है, उसके ऊपर लगातार हिट करते रहेगा, इसे लगातार हिट करते रहेगा। उसमें क्या होगा कि मतलब वो जो M16 से भी आप जो है पूरा ऑटोमेटिकली, जैसे AKM से या M4 से निकालता है उस टाइप का ऑटोमेटिक गोली, मतलब लगातार आप फायरिंग कर पाएंगे M16 से। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है बस मोड में क्या होता है कि इसको दबा कर रखेंगे ना, तो लगातार ऐसे 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 मतलब फायर बटन में वो क्या करेगा, वो क्लिक करते रहेगा आपका ये ट्रिगर। तो ये दोस्तों एक फ़ायदा होता है इस ट्रिगर का, ये एक फ़ायदा है इस ट्रिगर का। बात बाकी मेरे को तो भाई उतना अच्छा नहीं लगा ट्रिगर, क्योंकि भाई जितना मतलब इसका तारीफ किया गया था यूट्यूब चैनल में, बहुत सारे चैनल में देखा हो दोस्तों, उस हिसाब से मेरे को ट्रिगर उतना अच्छा नहीं लगा। हाँ डिज़ाइन अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है, लेकिन दाम इतना ज़्यादा है ना कि दोस्तों क्या बोला। इतना महंगा आप ट्रिगर खरीद रहे हो, लेकिन आप जो है कवर के ऊपर से इसको लगा नहीं पाओगे, उसके लिए कवर आपको खोलना पड़ेगा। ऊपर से दोस्तों मोटा फोन में थोड़ा सा फोन अगर मोटा होगा तो उसमें आप नहीं लगा पाओगे, और ऊपर से आपको चार्ज करना पड़ेगा, कब तक चार्ज करना आपको नहीं पता है, और चार्ज खत्म हो जाएगा तो उसको वो भी आपको नहीं पता है। मतलब उसके बाद दोस्तों मेन बात है कि आपको ये ट्रिगर अगर ऑर्डर करके तो आप तक पहुंचने में काफ़ी लेट होगा, ये दोस्तों और एक प्रॉब्लम है। तो मेरे को दोस्तों सबसे अच्छा ट्रिगर क्या लगा पता है, सबसे अच्छा ट्रिगर लगा ये ट्रिगर। ये क्या है कि दोस्तों नॉर्थ ईस्टर कंपनी का जो ट्रिगर है, इसको भी मैंने मतलब अनबॉक्सिंग करा हूँ और रिव्यू करा हूँ अपने चैनल पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि दोस्तों देखिए इसका दम काफ़ी सस्ता है, 600 रुपये पर हमको दो ट्रिगर, और आप देख सकते कितना मतलब मजबूत है ट्रिगर, देखिए कितना मजबूत और कितना स्टाइलिश है यार। आपको यहाँ जो 600 रुपये में एक जोड़ा मतलब दो ट्रिगर देखने को मिल जा रहा है। तो ये ट्रिगर इतना अच्छा नहीं कि दोस्तों इसको आपको जो है कवर के ऊपर से भी लगा सकते हो, मतलब आपको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। मतलब दोस्तों ये अपना फ़ोन है मान के चलिए, तो इस फ़ोन के ऊपर कवर के ऊपर से इसको बड़े आराम से लगा सकते हो। इस जो है नट बोल्ट को इसके ढीला कर लीजिए ऐसे, उसके बाद आराम से ऐसे आप लगा लीजिए, लगा के इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए, बस हो गया। इसको भी दोस्तों ऐसे सेम टू सेम यहाँ से जो है ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके हाँ सबसे पहले इसको आपको थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा ऐसे, सॉरी इसको थोड़ा ढीला करना, ढीला कर दिया है, अब ऐसे घुमा कैसे लगा दीजिए, एकदम आराम से फिट होगा, एकदम कवर के ऊपर से आराम से फिट होगा दोस्तों। कितना भी मोटा आपका फोन हो जाए, कितना भी कवर आप चढ़ा करें, आराम से फिट हो जाएगा। फिर इसको टाइट कर दीजिए, बस हो गया। और दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है हमारे टिकट, कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा स्टाइलिश सा दिख रहा है हमारे स्टिकर। ओके तो देख सकते हैं आप, मतलब इसको लगाने के बाद जो मोबाइल का लुक ही चेंज हो गया, कितना अच्छा दिख रहा है। ऊपर से दोस्तों देख सकते हैं आप कितना अच्छा फिनिशिंग मतलब है इस ट्रिगर का, मतलब देख के दोस्तों कुछ प्रीमियम मतलब फील आ जाता है। और इसका वजह से क्या होगा दोस्तों, आपका जो गेमिंग गेम प्ले है ना काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा दोस्तों इसको मतलब लगाने के बाद आपका गेम प्ले। और साथ में दोस्तों ये क्या है, काफ़ी कंफर्टेबल है, आप इस टाइप का पकड़ लीजिए पूरा एकदम लगातार, आप गेमिंग वगैरह करते रहिए, कितना भी आप गेमिंग करना चाहो आपको चार्ज करने का झंझट नहीं है, मतलब दोस्तों एक परफेक्ट ट्रिगर है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप जगह वीडियो के बाद देख लीजिएगा दोस्तों। सबसे अच्छा टिकर है, मैं जितना टिकर यूज करा हुआ आज तक ये है सबसे अच्छा टिकर है ना। लेकिन जहां तक बात रहा दोस्तों इस टिकर की, तो ये तो मुझे पल्ला नहीं पड़ा, ये तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा इस टिकर मुझे, मतलब जितना इसके बारे में इतना भाषणबाजी करा गया तो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा इस टिकर एक्चुअली है ना। तो बात बाकी आप अगर मंगाना चाह रहे हो 2200 रुपये से दो टिकर होगा तो आप मंगा सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से
आपको जो है ये ट्रिगर उतना मतलब मेरे ख्याल से आपको नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि भाई एक तो आपका मेन प्रॉब्लम यही है कि आपको जब जब आप गेम खेलोगे आपको मोबाइल से कवर को खोलना पड़ेगा, सबसे मेन प्रॉब्लम आपका यही है इस ट्रिगर का। और कवर को खोल के जब आप गेम को खेलोगे भाई तो उसका बाद भी जो है दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि आपका फ़ोन अगर मोटा है तो इसमें आप नहीं लगा पाओगे, आपका पैसा खाली खाली बेकार हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और, जैसे चार्जिंग का जो प्रॉब्लम इसमें आपको मैं बताया हूँ वो एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा इस ट्रिगर में। और इसका जो प्राइस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा है इसका प्राइस। और साथ में जो है दोस्तों इसका जो डिलीवरी है ना बहुत लेट से पहुँचता है, तो ये है और एक प्रॉब्लम इस ट्रिगर का। तो मेरे को दोस्तों 1100 रुपये पड़ा इस ट्रिगर का। तो हो सकता है कि किसी किसी के ट्रिगर अच्छा लगे, तो जिसको अच्छा लगे वो जो है इस ट्रिगर को खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को तो भाई कोई काम का नहीं लगा, इसलिए मैं इसका गिव अवे करना चाह रहा हूँ। मतलब आप लोग जितना व्यूअर्स उनमें से किसी को इस ट्रिगर मिलने वाला है, लेकिन इस वीडियो में नहीं दोस्तों, हम जो है इस गिव अवे के लिए और एक वीडियो लाएंगे, उसमें जो है आपको मैं बताऊंगा कि इस ट्रिगर को आप कैसे जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के अंदर वो जो गिव अवे वाला वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस ट्रिगर को मैं गिव अवे कर दूंगा उस वीडियो में। और साथ में हमारे पास एक गेमिंग हेडफोन था जो कि आपका जिसका हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर चुका हूँ, तो दोस्तों वो भी गेमिंग हेडफोन को मैं गिव अवे कर दूंगा सोच रहा हूँ। तो उसका भी जो है वीडियो कुछ दिन बाद आने वाला है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस सारे वीडियो को देखने के लिए। और आप अगर गिव अवे में सारे जीतना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो गिव अवे वाला वीडियो है ना आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। गेम से रिलेटेड दोनों ही मतलब एक हो गया गेमिंग हेडफोन और एक हो गया आपका गेमिंग ट्रिगर। तो जो भी दोस्तों सर बात आपसे करनी थी इस ट्रिगर के बारे में जो कि आपको बता चुका हूँ, तो मेरे को तो ये जो ट्रिगर है उतना अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये जो ट्रिगर है, ये जो ट्रिगर है इसको आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप जो समझ आपको जो समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपका मन में कोई सवाल है इस ट्रिगर को लेकर के कमेंट से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मेरे से, आपको मैं बताने का कोशिश करूँगा। लेकिन जहाँ तक बात रहा दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस इस ट्रिगर का, तो दोस्तों मैं कहूँगा जो इसको जो है आप बिल्कुल ही मत खरीदें। इसको ना खरीद के जो एक ट्रिगर आपको मैं और दिखाया है ना नॉर्थ ईस्टर का, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उस ट्रिगर को खरीद लीजिए। वो बहुत ही बढ़िया ट्रिगर है, सस्ता में है। लेकिन जहाँ तक बात इस ट्रिगर की दोस्तों इसका काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसको आपको बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए, बात बाकी दोस्तों आपके ऊपर है। तो जो भी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो सर आपको समझने की कोशिश करा तो सर आप जो समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों कमेंट से कमेंट करिएगा, हम जरूर से जरूर कोशिश करें आपका अच्छा लगा जवाब देंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा, जानकारी ये आपको अच्छा लगा, वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले, ताकि जानकारी इसके बारे में उन लोग भी जान पा रहे हैं। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे जानकारी वाले वीडियो देखते निकले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से आज एक नया वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।